अस्सलाम वालेकुम बेटा। राइट, आई होप दैट अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप सब ठीक हैं? इट्स वेरी नाइस टू हियर। हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? जो व्हाट आई रिमेम्बर, वी वर डूइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड आई गेस यू यू हैड फ्यू ऑफ द क्वेरीज। मैंने आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस की थी। हम लोग कहाँ पहुंचे थे? इम्पेरेटिव हम कर चुके हैं। इम्पेरेटिव के आंसर्स थे, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पे आए थे। राइट, दीज वर द क्वेश्चंस जो ये वो जो ऑप्शंस थे जिनको हमने करना था, और दीज वर द आंसर्स। स्टिल व्हाट आई कुड अज्यूम फ्रॉम यू पीपल कि अभी भी कोई प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट को मतलब वो समझना चाहते थे या देखना चाहते थे, तो उसको हम थोड़ा सा आज पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बेटा आपके पास है क्या? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। एक होते हैं WH क्वेश्चंस और WH फैमिली क्वेश्चंस, जो कि व्हाई वेयर व्हेन हाउ वगैरह से शुरू होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये व्हाई है, ये वेयर है, हाउ है। राइट, देयर इज अनदर, आप इसको कह सकते हो कि WH फैमिली वाले जो क्वेश्चंस हैं, where are these are this is one is this ke paas ye wh family hai ke paas where ye wh family hai then we have got how this is wh family so these are the wh family questions but aapke paas ek aur category hoti hai jo ki aapke paas hote questions hi hain lekin hum unko interrogative kehte hain wo maine active past mein aapko bahut tafseel se bataya bhi tha and they start with the helping verb, right? They start with the helping verb. Like आपके पास क्या हो सकता है? हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये questions, ये है, ये क्या है? आर, ये किससे शुरू है? आर से, तो ये helping verb से start हो रहा है। Have क्या है? Helping verb है। अब can basically modal auxiliary, ये helping verb नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसको helping verb के तौर पर ही ले रहे हैं। तो ये आपके पास किससे शुरू हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हो गए या दो तरह के प्रोसेस हो गए जिनके जरिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब इनको जब आपने चेंज करना होता है तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपके पास ये WH फैमिली है। अब आपके पास जब भी रूल क्या था कि इन्वर्टेड कॉमा हटता है, इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद दैट लगता है, राइट? यहाँ पे दैट आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा है? वाई, वेयर, हाउ। आपके पास यहाँ पे एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस कह लो या रूल कह लो, कि वेन एवर देर इज एनी ऑफ द प्लेस वेयर, आपके पास जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है? WH फैमिली से हो रही है। यहाँ पे किससे हो रही है? WH फैमिली। यहाँ पे किससे हो रही है? WH फैमिली। द रूल इज इट रिप्लेसेस विद WH फैमिली के लिए आपने दैट नहीं लिखना। आपके पास ये क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, वेयर है तो वेयर रहेगा, हाउ है तो हाउ रहेगा। मीन आपने कोई चेंजिंग नहीं की, दिस इज वन थिंग। सेकंड प्रोसेस क्या था आपके पास? वो तमाम चीजें थी जो कि स्टार्ट हो रही थी किससे? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? आर, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? कैन। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिंस दीज वर द थिंग्स हियर, आपने क्या किया, इनको जब चेंज किया तो चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या आया है? आपने इसको जो ये वाले जो इन्वर्टेड कॉमा है, इनको WH फैमिली से रिप्लेस नहीं किया, इनको आपने रिप्लेस किया है किससे? इफ से। ये WH फैमिली किससे रिप्लेस हुई है? इफ से। तो ये बातें याद रखनी है आप लोगों को कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग। या इसको मैं अगर और मजीद आप लोगों के लिए कोशिश करूँ कि आप मजीद इसको कैसे और बेहतर अंदाज से देख सकते हैं, ये why changes into why, ये where changes into where, how remains how, इसका मतलब ये है। अब ये mean, ये basically किस चीज को replacement थी? ये इनको नहीं है, why को नहीं है, ये helping जो आपके inverted comma change होते हैं तो direct इस तरह आ जाते हैं इसमें that word। लेकिन यहाँ पर जो है, जो helping verb से start होने वाले हैं, वहाँ का inverted comma जैसे ही change होता है, it basically brings with the thing that is if। ये देखिए यहाँ पे if है,
ये यहाँ पर आपके पास इन्वर्टेड कॉमा है, ये रिमूव होगा, क्या हो गया, इफ हो गया, ये यहाँ पे रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। एक बार, दूसरी बार, मेरा लास्ट टाइम आप लोगों से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, मेरा आपके साथ, आप लोगों के साथ क्वेश्चन एक बहुत आसान सा था कि आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ गया। मीन वी आर नॉट यूजिंग द क्वेश्चन मार्क, why we are not using the question mark, where has question mark gone? कहाँ गया जी question mark? Anyone who would like to answer? Where has the question mark gone? आस में रिप्लेस हो गया है, गुड। आपके पास अगर हमने इससे पहले एक जो हमने किया था जब हम इंपेरेटिव कर रहे थे तो आपको याद होगा प्लीज था वो चेंज हो गया, किस में था, रिक्वेस्टेड में हो गया, उसके बाद हमने प्लीज यूज नहीं किया था। एक और चीज हमने की थी अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास क्या था, डोंट, डोंट किस में चेंज हो गया था, फॉरबिड में, और हमने उसको रिप्लेस नहीं, उसको हमने दोबारा नहीं किया था। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, यानी कि कौन से वर्ड, ये देखिए ये क्या है, ये ले लेते हैं, ये क्या है, आस्ट, ये क्या है, आस्ट, ये क्या है, आस्ट, ये भी आस्ट, देन अनदर आस्ट, और उसके बाद ये भी क्या है, आस्ट। अब ये जितने भी आस्ट है बेसिकली ये जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया कि वेयर हैज क्वेश्चन, वेयर हैज दिस गॉन, तो आपका ये जो है क्वेश्चन मार्क इट हैज चेंज इनटू आस्ट, ये वाला आपके पास है, ये आपके पास क्या हो गया, ये यहाँ से ये चेंज हो गया किसमें, आस्ट में। अब ये वाला है इट हैज चेंज इनटू This one asked, ये इस तरह यूज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, अगेन दिस क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो बीइंग चेंज्ड इनटू आस्क्ड, इसलिए ये आपके पास दोबारा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट सेकेंड लास्ट वाला भी आपके पास सेम प्रोसेस में है, और ये भी किस पे चेंज हो गया है, आस्क्ड में, और जो लास्ट वाला है इट इज अगेन चेंजिंग इनटू आस्क्ड। सो दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट एंड विच I have given you the idea. अब एक बार दूसरी वजह भी है, ये sentences क्यों question mark के बगैर हैं? बेटा मैं ये highlight कर रहा हूँ sentences को, ये underline कर रहा हूँ, rather underline कर देता हूँ ज्यादा आसान हो जाएगा। बेटा कोई question है? ये देखिए लग रहा है, व्हाट इज दिस, ही वाज लेट, व्हाट इज दिस, ही हैड बीन द डे बिफोर, ये क्या है जी, शी कंपोज दोज ब्यूटीफुल टोन्स, हाँ पास्ट है, मैं आता हूँ बेटा क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ, ये क्या है, आई वाज लर्निंग ट्रैफिक रूल्स, ये क्या है, she could help those poor people, और ये क्या है, he had finished his work, ठीक हो गया जी, ठीक है, because we are changing into right, ठीक है जी बेटा, रूल है ये भी ठीक है, आप जो कह रही हो मुझ से ये। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो ये क्या है, why are you late, where were you yesterday, how do you compose those these beautiful tones, Are you learning the traffic rules? Can you help these people? Have. अब ये सारे का सारा जो tone है, जो process of asking है, या process of speaking है, वो ही बता रहा है कि ये questions है। अब इसको देख लीजिए जो मैंने red underline की है, He was late. He had been the day before. He, she composed those beautiful tones. I was learning the traffic rules.
शी कुड हेल्प दोज पीपल ही हैड फिनिश्ड दिस वर्क। एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेल्प क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारे यहाँ है क्या, प्रोसेस तरीकेकार क्या है, या मसला क्या है? मसला सिंपल है, मसला ये है कि हमारे यहाँ जब इन चीज़ों को सॉल्व किया जाता है या इन चीज़ों को देखा जाता है, तो हम हमारा बच्चा एक्टिव पैसिव वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल में उलझ जाता है। अगर आपने एक्टिव पैसिव याद हो तो एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? ये द रूल इज, सुन लीजिए अच्छी तरह से, लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा। वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन, ईदर इट इज स्टार्टिंग विद द डब्ल्यूएच फैमिली और द हेल्पिंग वर्ब, when it is changed into indirect speech, the question becomes a statement. Dobara repeat kar deta hu. Whenever we change any of the question in the indirect speech to, sorry, in the direct speech to indirect speech, the question becomes a statement. Ek sada jumla ban jata hai, simple sentence ban jata hai. Aur rule kya hai? Simple sentence ke last mein question mark nahi aata, full stop. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई गेस इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं रूल रिपीट कर देता हूँ। रूल इज वेन एवर देर इज एनी ऑफ द questions, any of the question, either it is starting with WH family, whether it is starting with the helping verb, when it is in, it changes into indirect speech, the question becomes a statement. Should I pen it down for you? बेटा ये लीजिए, मैंने ये लिख दिया है, मैं इसको आपके लिए चैट बॉक्स में डाल भी देता हूँ। व्हेनेवर अ क्वेश्चन डब्ल्यूएच फैमिली और स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन बिकम्स अ स्टेटमेंट और अ सिंपल सेंटेंस। राइट बेटा, दिस इज द थिंग जो कि आपकी हेल्प करेगी, आई होप सो। राइट, अभी कोई क्वेश्चन है? राइट बेटा, मुझे इस स्पीड से आगे जाना है इस जगह से, इसलिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, जल्दी से ले लीजिए। या अगर आप लिखने तो मेरे ख्याल में इतना लंबा लिखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ही ले तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। डन, आई होप सो। ठीक है जी, सो You must move forward now. कितने बच्चों को कोई भी अभी प्रॉब्लम है? Anyone who thinks के जी मुझे अभी भी प्रॉब्लम है?
डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है क्वेश्चंस वाले वो इतने आसान नहीं है, आई एग्री। कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट। इफ देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल देन वी आर गोइंग टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। Have these sentences, right? इन sentences को मैंने वहीं से लिया है जो आपके sentences थे। आपने क्या करना है इन sentences को देख, बल्कि let me do something else for you so that you can learn it quite properly। आप अच्छी तरह से इसको सीख सको। मैं बेटा अपना आपकी स्क्रीन शेयर जो है वो चेंज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ कोई और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा और मजीद डीपली या ये समझ लीजिए कि इसको सीख सके बस। आई होप माई वर्ड फाइल इज बींग शेयर विथ यू, इज इट? ये बता दीजिएगा जरा, मेरी वर्ड की एक फाइल आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? यस, ओके। आई वॉन्ट यू टू जस्ट सॉल्व दीज सेंटेंसेस फॉर योर सेल्फ। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं ये वाली एक जो प्रोसेस है इससे समझ आ जाता है। सो दीज आर द सेंटेंसेस, बेसिकली आप इनको जरा सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए अपने पास। आई होप दैट यू पीपल आर होल्डिंग अ नोटबुक। इसको पहले सॉल्व कर लिए उसके बाद बताता हूँ कि ये सॉल्व मैं क्यों करवा रहा था। आप अपने पास कर लीजिए, फिर बेशक मुझे भेजना चाहे भेज भी दीजिए। जी कुछ स्टूडेंट्स करके भेज रहे हैं इसको, एंड दैट्स वेरी नाइस। डन नहीं भी किया है तो देख लीजिए कि कैसे है आपके पास। अगर हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह सॉल्व होगा। द teacher
टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा क्या हो जाएगा, दैट यू, यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, हाँ बेटा मैं भी करवा रहा हूँ, यू है, ये क्या हो जाएगा ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोल्ड हिम, ही यू ही में आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा वॉज लेट, दिस इज नंबर वन सोल्यूशन। नंबर टू पर आ जाइए, क्या होगा ही टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा क्या हो जाएगा दैट, राइट दैट हो गया, यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हर क्या हो जाएगा शी, कंपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इन टू पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया कंपोज, दीज है तो किस में चेंज हो जाएगा दोज में, ब्यूटिफुल टोन्स सेम रहेगा, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, दिस इज नंबर टू। अब आ जाइए नंबर थ्री पर, नंबर थ्री क्या है शी टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा हटा दैट, यू कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास मी, मी क्या हो जाएगा आई, प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो फिर क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज लर्निंग द ट्रैफिक रूल्स, फोर्थ वन को कर लेते हैं, फोर्थ वन क्या है ही सेट चेंज मींस में हो गया टोल्ड, ही टोल्ड हर इनवर्टेड कॉमा किस में गया दैट, यू कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास हर क्या हो जाएगा शी, चेंजेस इनटू यू, चेंजेस इनटू शी, कैन इनटू कुड, हेल्प सेम रहेगा मैंने बताया हुआ है, दीज इनटू दोस पीपल, नेक्स्ट में आ जाइए जी आपके पास क्या है शी सेड टू हिम क्या हो जाएगा शी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा क्या हो जाएगा That you second person तो क्या हो जाएगा he, present perfect तो क्या हो जाएगा had finished यानी के past perfect हो जाएगा, your second person है change according to object क्या हो जाएगा his work, अब ये आपके पास solution हो गया, किस चीज का solution हो गया जो आप लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब आपने अगर गौर से देखा है आपके पास वो स्क्रीन पहले शेयर की हुई थी मैंने, अगर आप उसको देखते हैं ये वाली आपने 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 क्या देखा था यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थे, ठीक है ये क्वेश्चन थे, व्हाई आर यू लेट, वेयर वर यू प्रेजेंट, कंपोज द ब्यूटीफुल टोन, आर यू प्रेजेंट, कैन यू बी हेल्प प्लीज, ठीक है ये वही क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ वर्ड फॉर्मेट में सिंपल सेंटेंस बना लिए है, जो मेन मकसद था मेरा थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछा था, इनकेस अगर आपको कैसे कहते हैं ये नहीं समझ आए तो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हुआ है आपके पास क्या है, आपको अगर समझ नहीं आता फर्ज कर लीजिए आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव इनटू सिंपल सेंटेंस कर लिया, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे क्या था आपके पास ये जो टोल्ड है दिस टोल्ड हैज टू बी रिमूव्ड, इसको आपने क्या कर देना है काट देना है, ये टोल्ड भी कट गया, ये टोल्ड भी कट गया, ये टोल्ड भी कट गया और ये टोल्ड भी कट गया, अब हमने करना क्या है इस टोल्ड की जगह आपको सिर्फ एक काम करना है, इन मैं एक कॉमनली एक वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, आपने क्या कर देना है उसकी जगह
आस्ट लिख देना है। क्या कर देना है? आस्ट। इसका मतलब मैं क्योंकि हर जगह नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ चूंकि। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? टोल्ड इनटू आस्ट, टोल्ड इनटू आस्ट, टोल्ड इनटू आस्ट। ये एक तरीकेकार है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये भी टोल्ड किस में चला गया? आस्ट में। और ये भी टोल्ड किस में चला गया? आस्ट में। नाउ दिस इज समथिंग वन थिंग। द टीचर आस्ट, शी आस्ट, शी आस्ट, ही आस्ट, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये होने के बाद आपने क्या करना है? अब ये प्रोसेस हो गया। अब दूसरे मरहले में आपने क्या करना है? यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दैट, इसको काटना है। इसको दैट को काटा हमने, इस दैट को काटा, इस दैट को काटा। आपके पास रफ वर्क करने का चांस होता है आप अगर एग्जाम में बैठे हो। सो दिस दैट हैज टू बी रिमूव्ड एज वेल। अब आपने क्या किया? इस दैट को भी और उसको भी। बेटा मैं आपको एक स्कीम बता रहा हूँ, इन केस आपको क्वेश्चन टू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस बना दो। यू आर लेट, आपके पास क्वेश्चन क्या था? व्हाई आर यू लेट। आपके पास क्वेश्चन था हाउ डू यू कंपोज दीज ब्यूटीफुल। तो हमने उसको सिंपल सेंटेंस बनाकर एक प्रोसेस सीखा, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप चेंज कर सकते हो, राइट? ये हो गया आपके पास। अब दैट है, अब चूंकि यहाँ पे WH फैमिली थी तो ये दैट जो है वो रिप्लेस करना है। आपको किसके साथ रिप्लेस करना है जी? इन वर्ड्स को रिप्लेस करना है। ये दैट रिप्लेस होगा, राइट? ये वाला दैट रिप्लेस होगा और ये वाला दैट रिप्लेस होगा। हम देखते हैं कि हम किस में इसको इन दैट को रिप्लेस करते हैं। नाउ आपके पास जो पहले वाला दैट है, हमारे पास जो पहला था, आप लोगों के पास लिखा हुआ था ये यहाँ पर, Why are you late? इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? Why? आपने रिप्लेस कर दिया इसको, किस चीज से रिप्लेस कर दिया जी? Why से। राइट, ये दूसरा, दूसरे में क्या था? हाउ। अब दैट की जगह आपने क्या कर देना है यहाँ पर? सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हाउ कर देना है। तीसरे में क्या था आपके पास? You are learning. इसमें क्या क्या हो जाएगा? If हो जाएगा, क्योंकि you से था, ठीक है? उसके ये क्या है? Can. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये सब में बाकी में if हो जाएगा, बाकी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी आपका इफ हो जाएगा और ये भी आपका इफ हो जाएगा। सो दीज आर दी टेक्निक्स जिनके जरिए आप कर सकते हो। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए जल्दी से। आपके पास अगर इसको पुराने वाली स्लाइड से मैच करोगे तो यू विल डेफिनेटली सी दैट द आंसर्स आर सेम विद द टेक्निक। आपने किया क्या है? टेक्निक यूज की और इट्स आंसर सेम है। कोई क्वेश्चन है? मेरा यू जो है वो ही में चला गया है ना, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा नहीं, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो वी आर होपफुली टू हैव सून फिजिकल क्लासेस, तो उसमें हम इसको देख लेंगे। अगर अभी भी कंफ्यूजन है इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है? और ये जो है इसको भी आई गेस आई शुड मेक इट इन टू द प्रोसेस जो कि ये होना चाहिए। यहाँ पर ये आस्ट हो गया जी। मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके उसमें आपके चैट बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। हाँ नहीं, बल्कि नहीं, ये इसी तरह रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इनको ये सिंपल टोल्ड हो जाएगा एंड दिस वुड गो हियर here, here and here. तो ये सब जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल की बजाय स्मॉल लेटर में टोल्ड हो जाएगा। दैट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास?
स्मॉल वाला डेट आ जाएगा, ठीक है, जो सिंपल डेट होता है, वी आर टू रिप्लेस ऑल देम, ऑल ऑफ देम हियर, बिकॉज आई वुड गिव इट टू यू इन योर चैट बॉक्स सो दैट यू कैन हैव इट फॉर योर कन्वीनियंस लेटर ऑन, के इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस तरह चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, ये मैं इनको कॉपी करके आपके पास चैट बॉक्स में डाल देता हूँ आपकी आसानी के लिए, फिर आप इसको अपने तौर पर जिस तरह चाहेंगे करते रहिएगा। बट ये मैं आपके जो आंसर्स हैं कमिंग क्लास में फिर फिजिकली बोर्ड पे समझा दूंगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत ईजीली क्लियर ना हो रही हो आपको, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है जी, अब आ जाइए क्लास के पोर्शन नंबर टू पर। फर्ज ये करिए कि हमारे पास ये पहले चार प्रोसेस है, हम ले लेते हैं चंद सेंटेंसेस यहाँ से, 1 2 3। चलिए जी, नाउ इट्स योर टर्न टू डू इट। आपके पास मैं इसमें टाइम दे दूंगा आपको, थोड़ा बहुत डेफिनेटली देना होता है। तो दीज आर 5 sentences एंड यू पीपल आर टू डू इट ऑन योर ओन, गेट इट डन करके मुझे दिखाइए, फिर मैं वापस आता हूँ आपके साथ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि हाउ डिड यू डू इट। दीज आर ओनली 5 sentences। I am giving you 5 minutes, I guess this would be enough. 5 minutes, is it? Right.